नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अदिति की वाणी YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी मुझे लखनऊ के रहने वाले विवेक मल्लिक जी ने भेजी है। ये कहानी एक मर्डर मिस्ट्री है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बात सन 2004 की है। मैं मर्चेंट नेवी का एक अधिकारी छुट्टी पर घर आया हुआ था कि मेरे एक ताऊ जी के बेटे मनीष का फोन आया। मुझे इलाहाबाद बुलाया था। उसने बताया कि उसका ट्रांसफर लखनऊ हो गया है और मेरे इलाहाबाद आने से उसको लखनऊ शिफ्ट होने में आसानी हो जाती। मुझे पता था कि महक भाभी प्रेग्नेंट है, अतः मैंने उसी दिन इलाहाबाद जाने का विचार बना लिया। माँ और पिताजी को बताकर मैं इलाहाबाद के लिए निकल गया। शाम होते होते मैं संगम नगरी प्रयागराज पहुँच चुका था। मनीष ने मूवर्स एंड पैकर्स बुक किया हुआ था। बस मेरा काम तो केवल उनकी देखरेख करना था कि सामान सही से पैक हो जाए। अगले दिन सुबह सुबह मूवर्स एंड पैकर्स वाले आ गए। देर शाम 8:30 तक सारा सामान पैक होकर ट्रक से लखनऊ के लिए चला गया था। मैंने मनीष को कहा कि हम लोग अगले दिन सुबह सुबह लखनऊ के लिए निकलेंगे, लेकिन भाभी ने कहा कि सारा सामान तो चला गया है, अतः रात में सोने के लिए बिस्तर भी नहीं था। मजबूरी थी कि या तो हम लोग रात को किसी होटल में रुके या फिर रात में ही लखनऊ के लिए निकले। आपसी विचार विमर्श के बाद हम सभी मनीष की कार से लखनऊ के लिए निकल पड़े। इलाहाबाद से लखनऊ के लिए चलने के बाद एक अच्छे से ढाबे पर हम तीनों ने खाना खाया। अभी हम खाना खा ही रहे थे कि पड़ोस वाली टेबल पर कुछ लोग इलाहाबाद लखनऊ हाईवे पर पिछली रात हुए एक एक्सीडेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें पूरा परिवार समाप्त हो गया था। चूंकि भाभी प्रेग्नेंट थी, कहीं वो उनकी बातें ना सुन ले और डर ना जाए, इसलिए मैंने ऊंची आवाज में 3 जगह गुलाब जामुन देने का ऑर्डर दिया और मेरी ऊंची आवाज में उनकी बातें दब कर रह गई। बाहर निकलकर देखा तो मौसम सुहावना हो चुका था, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मनीष गाड़ी ड्राइव कर रहा था और भाभी आगे मनीष के साथ बैठी थी। मैं पीछे की सीट पर लेट गया था। उच्चहार से लगभग 10 किलोमीटर आगे बढ़े थे कि एक बहुत तेज झटका लगा और कार का पिछला पहिया पंचर हो गया। मनीष कार रोकने लगा तो मैंने उसे गाड़ी रोकने के लिए मना कर दिया, क्योंकि आसपास कोई भी आबादी नहीं थी और वहां गाड़ी रोकना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। अतः मनीष ने धीमी रफ्तार पर गाड़ी चलाना जारी रखा। कुछ दूर चलने के बाद सड़क किनारे एक झोपड़ी दिखाई पड़ी तो मनीष ने गाड़ी वहीं कच्ची सड़क में उतार कर रोक दी। महक भाभी को अगली सीट पर लेट जाने को कहा और हम दोनों गाड़ी से उतरकर पिछला पहिया बदलने लगे। उस समय बेसिक मोबाइल होते थे और उनमें टॉर्च का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। किसी तरह से अंधेरे में मोबाइल की हल्की सी रोशनी में हम दोनों बड़ी मुश्किल से पहिया बदलने की कोशिश कर रहे थे। एक बात जो कुछ अजीब थी कि पिछले 10 मिनट में कोई भी वाहन वहां से नहीं निकला था। ऐसा लग रहा था कि मानो उस सड़क पर केवल हम लोग अकेले ही सफर कर रहे हैं, और ये बात कुछ परेशान करने वाली थी। तभी मेरी नजर इलाहाबाद की तरफ से आती हुई सड़क की ओर पड़ी तो देखा कि कुछ लोग पैदल चले आ रहे हैं। मनीष ने मोबाइल की रोशनी दिखाने को कहा तो मैं और मनीष फिर से पहियों को खोलने में लग गए। 3 नट तो खुल गए थे,
लेकिन बड़ी मुश्किल के बावजूद एक नट नहीं खुल रहा था, जिस पर बारी बारी हम दोनों ने जोड़ आजमाइश की, लेकिन नट तो टस से मस भी नहीं हुआ। थक हार कर हम दोनों खड़े हो गए। फिर से नजर इलाहाबाद से आने वाले रास्ते पर पड़ी तो वे लोग जो पैदल चले आ रहे थे, वे उम्मीद से भी काफी नजदीक आ गए थे। साफ साफ लग रहा था कि उनकी पैदल चलने की रफ्तार काफी अधिक थी, जो कि अनुमम किसी भी मनुष्य के पैदल चलने की रफ्तार से अधिक थी। ध्यान देने पर देखा कि उन लोगों में एक पुरुष, एक महिला और दो बच्चे थे। लड़की लगभग 7 या 8 साल और लड़का लगभग 4 या 5 साल का रहा होगा। एक बात तो तय थी कि बच्चों के लिए इतनी तेज रफ्तार में पैदल चलना कतई संभव नहीं हो सकता। मनीष और मेरी नजरें उन्हीं लोगों पर थी जो तेज कदमों से चलते चलते सड़क की दूसरी तरफ लगभग हमारे सामने की तरफ आ गए थे और हमारे सामने ही एक खेत की पगडंडी की ओर मुड़ गए। मनीष और मेरी रूह कांप गई थी जब हमारी नजरें उनके पैरों की तरफ गई। उन चारों के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, बल्कि लगभग एक हथेली जितना ऊपर हवा में थे। हमारा गला बुरी तरह सूख चुका था, हमारे शरीर जहां के तहां जड़ हो चुके थे, दिमाग काम नहीं कर रहा था। अगले कुछ मिनट हम अपनी जगह से हिल नहीं सके। पता नहीं कितनी देर बाद एक ट्रक तेजी से हॉर्न बजाता हुआ निकला तो हम अपने होश में आए। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। डर हम दोनों के चेहरे पर साफ झलक रहा था। हमें याद आया कि हमें तो कार का पहिया बदलना था। हमने तुरंत ही वापस नट खोलने की कोशिश की तो वो बाकी की नट की तरह बड़ी ही आसानी से खुल गया। हमने तुरंत ही पहिया बदल डाला और वहां से निकलने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। मैं वापस अपनी जगह बैठा था, मेरी नींद उड़ चुकी थी। मैं कड़ियों से कड़ियां जोड़ने लगा। ढाबे में हमारे पड़ोस वाली टेबल पर बातचीत के रूप में एक दर्द भरे हादसे की जानकारी होना, उसी के कुछ देर बाद हमारी गाड़ी का टायर का पंचर होना, हादसे वाले जगह के समीप हमें एक आत्माओं के परिवार का पता चलना, उस दरमियान किसी भी वाहन का वहां से ना निकलना और उन आत्माओं के हमारी नजरों से ओझल होने के बाद पहियों का जाम नट बड़ी आसानी से खुल जाना, शायद किसी बात की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन दिमाग के घोड़े खोल देने के बावजूद मैं उस इशारे का मतलब नहीं समझ पा रहा था। मैंने मनीष से उस समय कोई भी बात नहीं छेड़ी क्योंकि भाभी साथ में थी। अगले दिन मनीष ने छुट्टी ले रखी थी। हम दोनों अलग से बात करने के लिए छत पर चले गए। दोनों का टॉपिक सेम ही था, वही कल वाला किस्सा। मनीष और मैं कड़ियां जोड़ रहे थे कि एक बात हम दोनों को याद आई कि उन आत्माओं में जो महिला और पुरुष की आत्मा थी, उनके चलने के अंदाज से ऐसा लग रहा था कि वे काफी परेशान हैं। शायद वे हमें कुछ संदेश देना चाहती हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं समझ पाए थे। पूरा दिन हम दोनों बस परेशान ही रहे। दिन का खाना खाने के बाद मैंने मनीष से कहा कि मैं एक बार फिर उच्चहार की उसी जगह जाकर उन आत्माओं के संदेश को समझना चाहता हूँ, लेकिन मनीष मुझे अकेले भेजने के पक्ष में नहीं था तो वो साथ चलने को तैयार हो गया। घर पर बहाना बनाकर हम दोनों उच्चहार के लिए निकल पड़े। समस्या ये थी कि उस जगह को
पहचाना कैसे जाए? तो मनीष ने कहा, उस जगह के पास एक मील का पत्थर लगा था जिस पर लखनऊ 105 किलोमीटर लिखा था। इससे एक समस्या का हल निकल गया कि अब वो जगह ढूंढने में समस्या नहीं आएगी। सबसे पहले हम दोनों अपनी गाड़ी से उच्चहार पुलिस थाना पहुंचे और 2 से 3 दिन के अंदर हुए किसी ऐसे एक्सीडेंट के बारे में पूछताछ की जिसमें पूरे परिवार का अंत हो गया हो। तो पता चला कि उस एक्सीडेंट में एक कार और एक ट्रक की आमने सामने की टक्कर हुई थी जिसमें लखनऊ के निवासी पति पत्नी और 2 बच्चों की तत्काल मृत्यु हो गई थी। महिला और पुरुष दोनों ही डॉक्टर थे और लखनऊ से इलाहाबाद जा रहे थे। उनके परिवार में उनकी एक बहन लखनऊ में रहती हैं और एक बड़े भाई हैं जो अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। केवल इतनी ही जानकारी पुलिस के पास थी। मैंने और मनीष ने अपने साथ हुई घटना के बारे में स्टेशन अफसर को बताया तो वो बुरी तरह से चौंक गए और उन्होंने पहले तो हमसे कुछ प्रश्न किए लेकिन बाद में हमारी मदद करने का आश्वासन दिया, क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर खुद एक नई उम्र का व्यक्ति था और उसने हमारी पूरी मदद का आश्वासन दिया। पुलिस से उस परिवार का नाम पता लेकर हम रात को ही घर वापस को चल दिए। रास्ते में हम उसी जगह रुके लेकिन आज कुछ भी अशांत नहीं लगा, तो मुझे लगा कि शायद आत्माओं को दिखना तक ठीक था लेकिन उनके कोई संदेश देने की बात बेईमानी होगी। घर पहुंचकर हम दोनों खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। देर रात मैंने सपना देखा कि वही चारों आत्माएं मेरी तरफ देखकर कुछ कह रही हैं लेकिन उनकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। मैंने बहुत कोशिश की कि उनकी बात समझ सकूं लेकिन सफल नहीं हो पाया। ऐसा लगा कि वे आत्माएं अपनी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंचा पाने के कारण काफ़ी परेशान लग रही थी। रात में ही मुझे बेचैनी होने लगी तो मैं उठकर बैठ गया और फिर पूरी रात जागता रहा। सुबह मनीष के उठने के बाद मैंने उसे अपने सपने के बारे में बताया तो वो चौंक गया क्योंकि उसे भी बिल्कुल वैसा ही सपना आया था। अब ये तय हो चुका था कि वाकई वो आत्मा हमें कुछ कहना चाहती है, शायद कुछ ऐसी बात जिसके कारण उनकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई हों। उस दिन मनीष को भाभी को लेकर डॉक्टर के पास जाना था और मेरे पास भी कोई काम नहीं था, तो मैंने सोचा कि मुझे डॉक्टर संजय अग्रवाल के घर जाना चाहिए। चूंकि डॉक्टर संजय के घर का पता मैं पहले ही पुलिस इंस्पेक्टर से ले चुका था जो कि मेरे घर से काफ़ी दूर था, लेकिन मैं उनका पता आसानी से ढूंढते हुए पहुंच गया। चूंकि उनके घर पर कोई खास चहल पहल नहीं थी लेकिन घर के मुख्य दरवाजे पर एक गार्ड बैठा था। मैंने पूछा तो गार्ड ने बताया कि डॉक्टर संजय के बड़े भाई ऑस्ट्रेलिया से इंडिया पहुंच चुके हैं और घर के अंदर मौजूद हैं। मैंने गार्ड से उनसे मिलने की बात की तो उसने इंटरकॉम पर इजाज़त लेकर मुझे अंदर भेज दिया। बैठक में डॉक्टर संजय के बड़े भाई संजीव अग्रवाल मौजूद थे। मुझे बैठक में आया देखकर मुझे सोफे पर बैठने का आग्रह किया। तभी एक नौकर पानी इत्यादि लेकर आ गया। घर की साज सज्जा देखकर लग रहा था कि डॉक्टर संजय ने काफ़ी पैसे अपने घर पर लगाए होंगे। उनके बड़े भाई को अपना परिचय देकर अपने
वहां आने का अभिप्राय बताया तो वे चौंक गए और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। पूछने पर उन्होंने बताया कि वे लोग पिछले 14 सालों से भारत नहीं आए थे। कारण था कि डॉक्टर संजय ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह किया था। इसी वजह से पूरे परिवार ने उनसे नाराज होकर सारे रिश्ते समाप्त कर लिए थे। मैंने सोचा कि उनकी बहन से भी मिल लिया जाए, शायद कुछ जानकारी मिल जाए। मैंने डॉक्टर संजय के बड़े भाई से पूछा तो वे मुझे उनकी बहन से मिलवाने को तैयार हो गए और स्वयं ही वे मुझे उनकी बहन के घर ले गए। उनकी बहन प्रेमलता गुप्ता शहर के नामी व्यापारी जयप्रकाश गुप्ता की पत्नी थी। संजीव अग्रवाल ने मुझे उनकी बहन एवं उनके पति से भेंट करवाई तो मैंने अपने मुलाकात का प्रयोजन बताया तो डॉक्टर संजय की बहन प्रेमलता गुप्ता विस्मयकारी नजरों से मुझे देखने लगी, जबकि मैंने महसूस किया कि उनके पति जयप्रकाश गुप्ता चौंक गए थे, लेकिन उन्होंने अपने भाव छुपा लिए थे। बहरहाल मैंने ये जाहिर नहीं होने दिया कि मैंने जयप्रकाश गुप्ता जी को नोटिस कर लिया था। एक शक का कीड़ा मेरे मन में घर कर गया था। मैंने उनसे कुछ पूछ नहीं सकता था, बस ये जरूर था कि बातों बातों में कुछ मतलब की बात पूछी जाए। प्रेमलता गुप्ता का चेहरा कुछ रुआंसा हो गया था तो वो खुद बोली कि आपके मन में प्रश्न होगा कि ऐसा क्या हुआ कि हम दोनों भाई बहन ने डॉक्टर संजय से रिश्ता तोड़ दिया है। मैंने मौन रहकर अपने आंखों से ही जवाब दिया। कुछ देर रुककर प्रेमलता जी ने कहा कि मेरे पति और मेरे बड़े भाई संजीव करीबी मित्र थे। दोनों एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़े लिखे थे। दोनों की दोस्ती के किस्से पूरे स्कूल में फैले थे। जहां मेरे पिताजी एक सरकारी अध्यापक थे, वहीं जय के पिताजी धर्मराज गुप्ता शहर के नामचीन व्यापारी एवं राजनीतिज्ञ थे। मेरा छोटा भाई संजय पढ़ाई में बहुत अच्छा था और डॉक्टर बनना चाहता था। क्योंकि मेरे पिताजी एक सरकारी नौकरी में थे एवं वो संजय की मेडिकल कॉलेज की फीस भरने में असमर्थ थे, तो मेरे ससुर जी ने मेरे छोटे भाई की मेडिकल की पूरी पढ़ाई का खर्च उठाया था। और जब मेरे पिताजी ने मेरे ससुर से कहा कि वो इस बात का एहसान कैसे उतारेंगे, तो मेरे ससुर जी ने मेरे पिताजी से जय के लिए मेरा हाथ मांग लिया था। साथ ही संजय के साथ जय की छोटी बहन प्रियंबदा के लिए बात भी पक्की कर ली थी और दोनों को ही ये बात बता दी गई थी। मेरी शादी के समय मेरे ससुर जी ने स्टेज से ही प्रियंबदा एवं संजय की सगाई की घोषणा कर दी, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। ठंडी सांस छोड़ते हुए प्रेमलता बोली, संजय का MBBS पूरा हो चुका था। पिताजी चाहते थे कि संजय घर पर ही अपनी प्रैक्टिस चालू कर दे, लेकिन संजय आगे की पढ़ाई करना चाहता था, इसलिए घर वालों की मर्जी के खिलाफ आगे की पढ़ाई करने के लिए वो लंदन चला गया। कुछ सेकंड्स के मौन के बाद प्रेमलता बोली, लंदन में पढ़ाई पूरी करने के बाद वो वहीं नौकरी करने लगा। जिस प्रियंवदा से संजय की रोज बात होती थी, अब हफ्ते में एक बार ही बात होने लगी। पूछने पर कहता था कि काम की अधिकता के कारण समय बहुत कम मिलता है। धीरे धीरे उसका प्रियंवदा से बात करना बिल्कुल ही कम होने लगा। जब भी प्रियंवदा संजय को फोन करती, संजय या तो फोन नहीं उठाता या फिर उठाकर तुरंत ही कहता, रखता हूँ। इधर प्रियंबदा डिप्रेशन में चली गई थी। जब संजय को प्रियंबदा के बारे में बताया गया तो उसने बड़े ही रूखे तरह से बात की। जब प्रियंबदा को संजय के रूखेपन के बारे में पता चला तो उसने
नींद की दवाई की पूरी शीशी खा ली। जब हम लोगों को पता चला तो हम उसे अस्पताल लेकर भागे। वो बच तो गई, लेकिन उन दवाओं ने उसके दिमाग पर गहरा असर डाला। हमने उसे काफ़ी डॉक्टर को दिखाया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। जब हमने संजय को प्रियंवदा की हालत के बारे में बताया तो पहले तो संजय भारत आने के लिए टालता रहा, पर लगभग 3 महीने के बाद वो भारत आया और आते ही उसने हम सब पर एक करारा विस्फोट किया कि अब वो प्रियंवदा के साथ अपना जीवन नहीं बिता सकता, क्योंकि प्रियंवदा उसके स्टेटस की नहीं है और वो अपनी जीवन साथी के रूप में एक डॉक्टर चाहता है। हम समझ गए कि या तो वो शादी कर चुका है या अपने समकक्ष किसी डॉक्टर से प्रेम करने लगा है एवं जल्द ही वे लोग शादी करना चाहते हैं। हमने ये बात प्रियंवदा से छुपा ली कि संजय भारत आया था एवं उसका प्रियंवदा के बारे में क्या विचार है। हम प्रियंवदा को अच्छे डॉक्टर को दिखाते रहे। इसके कारण प्रियंवदा अब लगभग बिल्कुल ठीक हो गई थी। बहाने बनाकर हमने प्रियंवदा को बताया कि संजय अमेरिका चला गया है और वहाँ वो लगभग 3 साल रहने वाला है। भारत एवं अमेरिका में लगभग 10 से 10.5 घंटे का अंतराल होने के कारण वो बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी ड्यूटी काफ़ी सख्त है। इधर संजय भारत वापस आ गया एवं शहर के नामचीन अस्पताल में नौकरी करने लगा। लगभग 6 महीने बाद मुझे एक शादी का कार्ड मिला तो पता चला कि संजय किसी डॉक्टर सुरभि से शादी कर रहा है, जो उसके साथ लंदन में नौकरी करती थी। मेरे और जय के सामने सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया था कि संजय ने अपनी महत्वाकांक्षा को अपने सगे रिश्तेदारों के कंधे पर चढ़कर पूरा किया था। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि संजय ऐसा एहसान फरामोश निकलेगा, कहकर प्रेमलता रुक गई। गुस्सा, दुख और आंसू उनकी आंखों में नजर आ रहा था। थोड़ा रुककर वो बोली, पता नहीं शादी का वो कार्ड प्रियंवदा के हाथ कैसे लग गया। मेरी फूल सी प्यारी ननद, जिसने हमेशा मुझे माँ की तरह माना, वो उस दिन बिल्कुल टूट सी गई। हम लोगों को पता ही नहीं चला कि वो कब घर से निकली और संजय के पास उसके अस्पताल पहुंच गई, और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। संजय द्वारा उठाए गए कदम की जानकारी संजय की जुबान से सुनकर वो वहां से चली गई, लेकिन उसी अस्पताल की 10वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। ये कहकर प्रेमलता जी रोने लगी। मुझे ये तो समझ आ गया था कि डॉक्टर संजय और उनकी बड़ी बहन का रिश्ता कैसा था, लेकिन ऐसा क्या राज था जिसके कारण डॉक्टर संजय और उनके परिवार की आत्माएं भटक रही थी। डॉक्टर संजय के बारे में सुनकर बहुत अजीब लगा कि डॉक्टर कितने महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और रिश्तों की उन्हें कोई फिक्र नहीं थी। बहरहाल मुझे अभी तक अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था कि वो चारों आत्माएं क्या संदेश देना चाहती थी। मेरा सिर चकरा गया था तो मैं हजरतगंज के कैफे कॉफ़ी डे चला गया। वहाँ कॉफ़ी पीने के बाद कुछ ताजगी सी महसूस हुई तो मैंने अपना दिमाग इन सबसे हटाने के लिए कुछ मैगजीन पढ़ने लगा। लगभग आधे घंटे बाद एक और कॉफ़ी मंगा ली। अभी कॉफ़ी के 1-2 घूंट भरे ही होंगे कि किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था तो चौंक कर पीछे देखा। कॉलेज के समय की एक दोस्त चारू सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। हे, कैसे हो, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज।
चारू उत्साहित होते हुए बोली, मैं भी चारू को देखकर बहुत खुश हो गया था। उसने हंसते हुए कहा, अरे तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले, और सामने वाली कुर्सी में बैठ गई। और बताओ क्या चल रहा है लाइफ में, उसने पूछा। तो मैंने कहा, अरे मैडम पहले ये तो बताओ, आपका टेस्ट कुछ चेंज हुआ है या वही है, कोल्ड कॉफी या कुछ और? तो उसने कहा, कोल्ड कॉफी विथ आइसक्रीम और एक जंबो सैंडविच, उसने अपना ऑर्डर दिया। तुम भी बिल्कुल नहीं बदली, मैंने कहा। तो वो हंसने लगी। इंडिया कब आए, चारू ने पूछा, और कब तक रुकोगे, चारू ने फिर पूछा। अरे मैडम एक एक करके सवाल पूछ लेती, मैंने उससे कहा, तो वो फिर हंसने लगी। अभी हफ्ते भर पहले ही आया हूँ और अभी लगभग 4 महीने रुकूंगा, 2 कोर्स भी करने हैं। कुछ इधर उधर की बातें हुई, फिर मैंने उसे NH-30 पर हुए हादसे और उन आत्माओं के नजर आने के बारे में बताया, तो वो विस्मयकारी नजरों से मुझे देखने लगी। अरे भैया तुम्हें डर नहीं लगता, उसने अधीरता से पूछा। अरे मैडम पूछो नहीं, अगर तुम मुझे भैया कहोगी तो मैं तुमसे भी डर जाऊंगा, इतना सुनकर वो ठहाके लगाकर हंसी। तो अगल बगल के लोग उसे देखने लगे, तो वो बुरी तरह झेप गई। अब वो मेरे सामने वाली कुर्सी से उठकर मेरे बगल वाली कुर्सी पर आकर बैठ गए और उसने सुझाव दिया कि मुझे एक बार डॉक्टर सुरभि के घर भी जाना चाहिए, हो सकता है कुछ नई बात पता चले। मुझे उसकी सलाह बड़ी काम की लगी। घर पहुंचकर मैंने मनीष को दिन भर की घटनाओं के बारे में जानकारी दी, तो मनीष ने राय दी कि एक बार पुलिस इंस्पेक्टर से बात करके उनको भी ये जानकारी दे दो और उनसे पूछो कि क्या करना चाहिए। तो मैंने इंस्पेक्टर सिंह को फोन करके सारी जानकारी दी, तो उन्होंने कहा कि चूंकि ये मामला उनके हद में नहीं आता, क्योंकि इसकी कोई भी रिपोर्ट पुलिस के पास नहीं है, लेकिन एक अच्छे इंसान होने के नाते उन्होंने मुझे डॉक्टर सुरभि के मायके का पता दिला दिया, जो कि पुराने लखनऊ के इलाके का था। अगले दिन जब मैं डॉक्टर सुरभि के घर का पता ढूंढते हुए पहुंचा, तो डॉक्टर सुरभि के पिताजी प्रोफेसर डॉक्टर सत्यनारायण गोयल से मुलाकात हुई। उनसे हुई बातचीत के दौरान पता चला कि वो लखनऊ विश्वविद्यालय में एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर होने के साथ ही साथ एक भविष्य वक्ता भी थे। उनकी पत्नी एवं डॉक्टर सुरभि की माताजी सरिता गोयल एक अध्यापिका एवं लेखिका थी। जब मैंने उनसे मिलने का प्रयोजन बताया, तो उनके भाव ने मेरे मन में बहुत उथल पुथल चालू कर दी, क्योंकि कोई भी पिता जिसकी बेटी अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई हो, वो इतना शांत कैसे हो सकता है? मेरी इस जिज्ञासा का उत्तर उन्होंने खुद ही दिया। मैं जानता हूं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप जानना चाहते हैं कि मैं इतना शांत क्यों हूं, प्रोफेसर गोयल ने कहा। मैं कुछ बोलता इससे पहले ही वो बोले, पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आपके जीवन में समुद्र एवं लोहे का सर्वाधिक योगदान है, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आप जल सेना, मर्चेंट नेवी या किसी ऑयल रिंग में काम करते होंगे, कहकर प्रोफेसर गोयल शांत हो गए। मैं समझ गया था कि मैं ईश्वर का वरदान प्राप्त एक व्यक्ति के सामने बैठा हूं, जो ना कि केवल चेहरा देखकर किसी के अंतर मन को ही पढ़ सकते हैं, बल्कि उसका भूत और भविष्य भी बता सकते हैं। अब
सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया था, लेकिन मैं सोचने लगा कि जब ये मेरा भूत बता रहे हैं तो हो सकता है कि भविष्य भी बता दें। आप जैसा सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है। मुझे अपनी बेटी के साथ होने वाले हादसे का अंदाजा था और जिस बात का डर था वही हुआ कि अकाल मृत्यु के कारण उसके पूरे परिवार को मोक्ष नहीं मिलेगा और वे सब प्रेत योनि में भटकेंगे, प्रोफेसर गोयल ने कहा। तो आपको ये सब पता था? मैंने हैरान होते हुए पूछा। मुझे तो ये भी पता है कि आप यहाँ आने से पहले डॉक्टर संजय के घर वालों से मिल चुके हैं। उनकी बात सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया और मैं मन ही मन सोचने लगा कि क्या खूब विद्या है गोयल जी की। मेरा एक प्रश्न है कि जब आपको अपनी बिटिया और उसके परिवार के साथ होने वाले हादसे के बारे में पहले से आभास था तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? प्रश्न पूछते समय मैं आशंकित था। मेरे प्रश्न को सुनकर वो कुछ देर शांत होकर सुनने में खो गए। कुछ देर बाद वो शांत लहजे में बोले, उस दिन मैं और मेरी पत्नी हरिद्वार में थे। मुझे सुबह से आभास हो गया था कि कुछ तो गलत होने वाला है, तो मैं ध्यान लगाकर बैठ गया। ध्यान लगाने से मुझे पता चल गया कि सुरभि का किसी वाहन से दुर्घटना का बहुत बड़ा योग था। मैंने तुरंत ही सुरभि को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बंद था, जबकि उसका फ़ोन कभी भी बंद नहीं होता था। फिर मैंने संजय को फ़ोन किया, उसका फ़ोन तो उठा लेकिन सिग्नल ना होने के कारण बात नहीं हो पाई। फिर मैंने लैंडलाइन पर भी फ़ोन किया, घंटी बजती रही लेकिन फ़ोन नहीं उठा। जब भी सुरभि या संजय मेरा फ़ोन नहीं उठा पाते थे तो मुझे वापस पलटकर फ़ोन ज़रूर करते थे, लेकिन उस दिन। इतना कहकर गोयल जी फिर से सुनने में खो गए। कुछ देर बाद वो बोले, देखो बेटा, होनी को कोई नहीं टाल सकता। मैं चाहे जितना भी कोशिश कर लूं, लेकिन जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, भले ही उसका स्वरूप बदल जाए। लेकिन इस बात का दुख हमेशा रहेगा कि उस समय दोनों बच्चे उनके साथ थे। मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, मैंने गोयल जी से कहा। जैसा कि आपने कहा कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, तो क्या हॉलीवुड मूवी फाइनल डेस्टिनेशन सत्यता दर्शाती है? मैंने अपना प्रश्न रखा। हाँ बिल्कुल, आपने कई बार देखा या सुना होगा कि फला व्यक्ति का भयानक एक्सीडेंट हो गया लेकिन उसे खरोच भी नहीं आई और वो मौत के मुंह से वापस आ गया। साथ ही कई बार ये भी सुना होगा कि फलाना व्यक्ति का पैर फिसला और उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा उसके समय चक्र के गतिमान होने के कारण होता है। एक बार मैंने अपने एक जान पहचान वाले व्यक्ति को आगाह किया था कि वो किसी भी तरह का वाहन ना चलाए और ना ही किसी वाहन का प्रयोग करे, क्योंकि उस दिन उसकी मृत्यु किसी न किसी वाहन से होनी थी। उस दिन तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया और वो बच गया, लेकिन अगले दिन वो अपने घर की छत पर खड़ा था। ऊपर आसमान में एक बाज एक सांप को अपने पंजे में दबाए उड़ा जा रहा था कि अचानक
उस बाज के पंजे से वो सांप छूट गया और सीधे उस व्यक्ति के ऊपर जा गिरा और सांप के डसने से उस व्यक्ति की वही मृत्यु हो गई। मैं तो केवल ये बता सकता हूँ कि फलाना व्यक्ति पर कब संकट की घड़ी आ सकती है, लेकिन उस संकट से मैं उसे बचा नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो शायद भगवान की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि ईश्वर की प्रार्थना करने में जो शक्ति है वो किसी भी दूसरी चीज में नहीं, ईश्वर ही सर्वोपरि है। गोयल जी ने इतना कहते हुए अपनी बात खत्म की। आपने बिल्कुल सही कहा, ईश्वर की भक्ति में बहुत शक्ति है। मेरे कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैं ढूंढ रहा हूँ, मैंने उनसे कहा। मैं जानता हूँ बेटा कि आपके मन में क्या प्रश्न हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि कई बार जो हमारी नज़रों के सामने होता है वो सच नहीं होता, और कई बार हम जिस बात को गैर जरूरी समझकर उसकी उपेक्षा कर देते हैं वही सच होता है। उनकी बात में तो दम है, लेकिन वो किस तरफ इशारा कर रहे थे मेरी समझ से परे था। वो मेरी परेशानी समझ गए और बोले, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जिसके तहत ये एक्सीडेंट करवाया गया था। क्या? मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। मैं डॉक्टर सत्यनारायण गोयल की तरफ देखता ही रह गया। मैं आया था अनसुलझे सवालों का उत्तर जानने, लेकिन यहाँ तो सैकड़ों नए सवाल मेरे सामने आकर खड़े हो गए। मैं अभी भी मुंह खोले गोयल साहब की ओर देखे जा रहा था, जिन्होंने एक ऐसी बात बताई थी जिसकी कल्पना मैंने सपने में भी नहीं की थी। तो फिर आपने पुलिस में FIR क्यों नहीं करवाई? मैंने आश्चर्यचकित होते हुए गोयल साहब से पूछा। मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, पुलिस मेरी बात को नहीं मानेगी। पुलिस की अपनी एक थ्योरी है कि ये एक सड़क हादसा था और कुछ नहीं, गोयल साहब ने शांत स्वर में बोला। मेरा मन तो किया कि प्रोफेसर गोयल से कहूं कि उन्होंने FIR ना करवाकर गलती की थी, लेकिन ये उनका और उनके परिवार का अंदरूनी मामला था। मुझे महसूस हो रहा था कि गोयल साहब इस हादसे के बारे में कुछ तो छुपा रहे हैं। हालांकि मुझे अब समझ में आ रहा था कि डॉक्टर सुरभि और उनके परिवार की आत्माएं मुझे क्या कहना चाहती थी। मैंने प्रोफेसर गोयल से पूछा, जब आपको डॉक्टर सुरभि के साथ होने वाले हादसे के बारे में पता था तो आपको ये भी पता होगा कि उनकी हत्या की साजिश किसने रची होगी। सफल व्यक्ति से कितने ही लोग ईर्ष्या करते हैं और उनके कितने विरोधी होते हैं, ये तो जग जाहिर है। बिल्कुल उसी तरह मेरी बेटी और दामाद से भी बहुत लोग ईर्ष्या करते थे। मैं कोई सर्वज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो ईश्वर में आस्था रखने वाला एक आम सा इंसान हूँ। प्रोफेसर गोयल ने सीधी तरह से मना करने के बजाय घुमाकर अपनी बात कही। पर क्या मैं आपकी पत्नी और बाकी सदस्यों से मिल सकता हूँ? मैंने पूछा तो उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज़ देकर बाहर बुला लिया। औपचारिक रूप से मुलाकात के बाद जब मैंने उनको पूरी बात बताई तो उनके चेहरे पर उदासी छा गई। अपनी आंखों के कोरों से आंसू पोंछते हुए वे दुखी स्वर में बोली, होनी को
कौन टाल सकता है। मुझे तो सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि सुरभि का पूरा परिवार ही उजड़ गया और उनकी उदासी उनके रोने में तब्दील हो गई। प्रोफेसर साहब अपनी रोती हुई पत्नी को अंदर के कमरे में ले गए और 10 मिनट बाद अपने लगभग 30 साल के बेटे के साथ बाहर आए। उसकी लाल आंखों से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी सोते से जगाया गया है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि इसने पिछली रात को काफी दारू पी होगी। प्रोफेसर साहब ने मेरे मन की बात भांप ली और अपने बेटे का पक्ष लेते हुए बोले, रजत की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए ये दवाई खाकर सो रहा था। मैंने रजत को उनके घर आने का प्रयोजन बताया तो रजत बड़ा असहज सा हो गया और उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और उसकी जो आंखें खुमारी से बोझिल हो रही थी वो अचानक से चौड़ी हो गई। ये क्या कह रहे हैं आप, रजत ने हकलाते हुए पूछा। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैं तो आपके और डॉक्टर संजय के परिवार को जानता भी नहीं था। वैसे भी मैं इस शहर में बहुत कम रहता हूँ, मैंने कहा। मैंने देखा कि डॉक्टर संजय का नाम आते ही रजत ने बुरा सा मुंह बनाया। क्या मैं जा सकता हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, रजत ने फिर से हकलाते शब्दों में पूछा। और मेरे जवाब देने से पहले ही वो वहां से उठकर चला गया। ये तो साफ था कि डॉक्टर संजय ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी, लेकिन क्या डॉक्टर सुरभि के परिवार वाले भी उनकी शादी के खिलाफ थे या कोई और बात थी। जो भी था, लेकिन प्रोफेसर गोयल ने उसे बड़ी सफाई से छुपा लिया था। उनकी एक बात कई बार जो हमारी नजरों के सामने होता है वो सच नहीं होता, और कई बार हम जिस बात को गैर जरूरी समझकर उसकी उपेक्षा कर देते हैं वही सच होता है, ने मेरे सोचने का नजरिया ही बदल दिया था। और अब मैं डॉक्टर संजय और डॉक्टर सुरभि से जुड़े हर व्यक्ति को शक की निगाह से देखने लगा था। मैंने गोयल साहब से उनका फोन नंबर लिया और उनसे इजाजत लेकर वहां से चला आया। गाड़ी में बैठकर मैंने सबसे पहले मनीष और फिर चारू को फोन करके कैफे कॉफी डे में मिलने को बुलाया। मैं जब कैफे पहुंचा तो मनीष मुझे बाहर पार्किंग में ही मिल गया। अंदर जाकर हम सोफे पर पसर गए। मैंने मनीष को चारू के बारे में बताया कि उसी ने मुझे डॉक्टर सुरभि के घर जाने की सलाह दी थी। कुछ देर बाद चारू भी कैफे में आ गई और उसकी नज़रें मुझे ढूंढने लगी। हमें कोने के सोफे पर पाकर वो तेज कदमों से सीधा मेरे बगल में आकर बैठ गए। मैंने मनीष और चारू का परिचय करवाया और सीधा मुद्दे पर आ गया। मैंने दोनों को डॉक्टर सुरभि के घर पर हुई सारी बात बताई। मुझे तो लगा था कि तुमने मुझे कॉफ़ी पीने बुलाया है, चारू ने कटाक्ष किया। ओह सॉरी, मैं भूल गया, और मैंने चारू के लिए कोल्ड कॉफ़ी विथ आइसक्रीम और मनीष और अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर कर दी। मैंने एक बात तुम लोगों को नहीं बताई कि जब प्रोफेसर गोयल अपनी पत्नी को लेकर अंदर कमरे में गए थे तो मैंने वहां लगी सभी फ़ोटो को अपने फ़ोन के कैमरे में कैद कर लिया और मैंने दोनों को वो सारी तस्वीरें दिखाई। अरे यार, हो ना हो रजत इस मामले में अंदर तक जुड़ा है, चारू बोली। हो सकता है, क्योंकि उसका व्यवहार बड़ा अजीब था, लेकिन हमें जयप्रकाश अग्रवाल डॉक्टर संजय के जीजा जी को भी
नहीं भूलना चाहिए। उनके पास डॉक्टर संजय से बदला लेने का व्यक्तिगत कारण भी था। मैंने कहा, हो सकता है, लेकिन 14-15 साल बाद वो ऐसा क्यों करेंगे? क्या उन्हें अपने रुतबे की कोई फिक्र नहीं होगी? मनीष ने कहा, होने को तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि जयप्रकाश के दिल में नफरत की ज्वाला धधक रही हो और जो सही समय के इंतजार में हो, और उनको मौका 14-15 साल बाद ही मिला। चारू ने कहा, ऐसे तो फिर डॉक्टर संजय के बड़े भाई बहन और डॉक्टर सुरभि के माता पिता भी शक के घेरे में आने चाहिए। मनीष बोला, बिल्कुल आने चाहिए, लेकिन डॉक्टर सुरभि की माता जी और डॉक्टर संजय की बहन के ऊपर मुझे शक नहीं है। चारू बोली, देखो, किसी के परिवार और उनके बीच क्या चल रहा है ये हम तो नहीं बता सकते। अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो दोनों के परिवार को जानता हो तो बात बन सकती है। मैंने अपनी बात रखी। ऐसा व्यक्ति कोई पारिवारिक मित्र, खासकर जिसने लंदन में डॉक्टर संजय और डॉक्टर सुरभि के साथ लंदन में पोस्ट ग्रेजुएट किया हो, या लंदन में ही साथ ही में कोई हॉस्पिटल में नौकरी भी की हो, मनीष ने कहा, और वो भारतीय हो, साथ ही लखनऊ का हो, तो सोने पर सुहागा हो जाए। चारू बोली, बड़ा मुश्किल है ऐसे किसी डॉक्टर को ढूंढना। मनीष बोला, लेकिन फिर सोचते हुए बोला, क्यों ना हम डॉक्टर संजय के स्टाफ से मिले, हो सकता है वहां से ऐसे किसी व्यक्ति का पता चल जाए। बात तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर संजय का क्लिनिक तो बंद पड़ा होगा। चारू ने कहा, एक उम्मीद की किरण है, हम लोग उस हॉस्पिटल में चलते हैं जहां पर डॉक्टर संजय ने लंदन से लौटने के बाद नौकरी की थी। चूंकि वहीं पर प्रियंवदा ने आत्महत्या की थी, तो डॉक्टर संजय अवश्य ही हाईलाइट हुए होंगे। मैंने कहा तो चारू और मनीष मेरी बात से सहमत हो गए। बिल का भुगतान करने के बाद हम तीनों हॉस्पिटल पहुंच गए। चारू ने हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर जाकर अपना विजिटिंग कार्ड दिया और हॉस्पिटल के डायरेक्टर से मिलने की इच्छा जाहिर की। हमें इंतजार करते हुए एक मिनट भी नहीं बीता था कि एक व्यक्ति वेटिंग एरिया में आया और हमें सम्मान सहित डायरेक्टर के कमरे में ले गया। डायरेक्टर के कमरे में पहुंचते ही डायरेक्टर डॉक्टर संदीप अरोड़ा ने खड़े होकर हमसे हाथ मिलाया एवं सम्मान सहित हमें बिठाया और उसके बाद स्वयं बैठे। मनीष ये सब देखकर आश्चर्यचकित था कि शहर के इतने बड़े हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने हमें चारू का विजिटिंग कार्ड मिलते ही बुलवा लिया, जबकि मैं मनीष की उत्सुकता देखकर मुस्कुरा रहा था। चारू जी, आज बहुत समय बाद आपसे मुलाकात हुई, मुझे बेहद खुशी हुई कि आप हमारे यहाँ आई हैं, और मुझे उससे भी अधिक खुशी होगी कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। डॉक्टर संदीप कृतज्ञ भाव से चारू से मुखातिब होते हुए बोले, डॉक्टर साहब, बात कुछ ऐसी है कि, चारू ने मनीष और मेरी तरफ इशारा करते हुए पूरी बात बता दी। क्या वाकई? डॉक्टर संदीप के मुंह से केवल दो शब्द निकले, वो स्तब्ध रह गए थे। जी डॉक्टर साहब, मैंने इस बात की पुष्टि की। बहुत बुरा हुआ डॉक्टर संजय के साथ, काफी हसमुख था जब वो यहाँ आया था। मेरी ही ब्रांच में था, इसलिए उससे अच्छी जान पहचान हो गई थी। वो बोले, जब वो यहाँ आए थे तो काफी हसमुख थे, आपने बात अधूरी क्यों छोड़ दी? मनीष ने कहा, हाँ, उसके यहाँ ज्वाइन करने के कुछ ही महीने बाद उसकी
किसी जानने वाली लड़की ने हॉस्पिटल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। मुझे याद है कि उस दिन वो इमरजेंसी ड्यूटी पर मेरे साथ ही था और वो लड़की उसे ढूंढते हुए इमरजेंसी तक आ गई थी। डॉक्टर संजय ने उसे वहां से जाने को कहा, लेकिन वो लड़की बिना बात किए जाने को तैयार नहीं थी। उस लड़की ने उस दिन इमरजेंसी में काफ़ी हंगामा किया था, जिसके बाद डॉक्टर संजय ने उसे डांटकर भगा दिया और उसी के कुछ मिनट बाद वो लड़की एक लाश के रूप में हमारे सामने स्ट्रेचर पर पड़ी थी। बस फिर लगभग 6 महीने ही वो इस हॉस्पिटल में रहे, लेकिन मैंने उसे कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। डॉक्टर संदीप ने अपनी बात पूरी की। क्या कोई पुलिस केस भी हुआ था? मनीष ने पूछा। हाँ, पुलिस आई थी, लेकिन रूटीन जांच पूरी करके चली गई। हमारे हॉस्पिटल के तत्कालीन डायरेक्टर ने केस को रफा दफा करवाने के लिए काफ़ी पापड़ बेले थे, क्योंकि उस केस की वजह से हमारे हॉस्पिटल की काफ़ी बदनामी हो रही थी, डॉक्टर संदीप ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बात और पूछना चाहता हूँ। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो डॉक्टर संजय का पारिवारिक मित्र हो और लंदन में साथ ही रहा हो? मैंने डॉक्टर संदीप से पूछा। कुछ देर सोचने और अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स ढूंढने के बाद डॉक्टर संदीप ने डॉक्टर विकास कृष्णा का नाम बताया, जो कि दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे थे। साथ ही उन्होंने डॉक्टर विकास का पर्सनल फ़ोन नंबर भी दे दिया। हम उठने लगे तो डॉक्टर अरोड़ा ने हमें बैठे रहने को कहा और अपनी ड्रॉअर से चेक बुक निकाल कर 1 लाख का चेक चारू को देते हुए बोले, आप जैसी हस्तियों की हमारे समाज में बेहद आवश्यकता है, मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट स्वीकार करें। मैं कुछ समय निकालकर आपके इंस्टीट्यूट में कुछ गेस्ट लेक्चर भी देना चाहूँगा। डॉक्टर अरोड़ा का धन्यवाद देकर हम लोग बाहर निकले तो मनीष चारू की अप्रोच देखकर हैरान था। तो मैंने मनीष को बताया कि चारू एक एक्टिविस्ट है जो गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए लखनऊ का नामी एनजीओ ब्राइट फ्यूचर की फाउंडर प्रेसिडेंट है। गाड़ी में बैठकर हमने डॉक्टर विकास कृष्णा को फ़ोन लगाया तो पता चला कि डॉक्टर कृष्णा देहरादून गए हैं और अगले 15 दिन देहरादून में ही बिताने वाले थे। मैंने उन्हें डॉक्टर संजय अग्रवाल के साथ हुए हादसे के बारे में बताया तो वो बेहद परेशान हो गए और स्वयं हमसे मिलने की इच्छा जाहिर की। चूंकि मनीष देहरादून जाने में असमर्थ था तो मैंने अकेले ही देहरादून जाने के बारे में सोचा, लेकिन मेरी उम्मीद के विपरीत चारू अवश्य ही देहरादून जाने के लिए तैयार हो गई। मैंने ट्रेन के 2 तत्काल टिकट बुक करवा लिए। अगले दिन शाम को चलकर उसके अगले दिन सुबह हम दोनों देहरादून पहुंच गए। चारू की बड़ी बहन डॉक्टर सुष्मिता और डॉक्टर शेखर बहल हमें रिसीव करने रेलवे स्टेशन आए थे। घर पहुंचकर तैयार होकर मैं डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए पहुंचा तो चारू पहले ही वहां अपनी दीदी और जीजा जी के साथ बैठी थी और उसने अब तक हुई सारी बातें उन्हें बता दी थी। डॉक्टर सुष्मिता घबरा गई थी, लेकिन डॉक्टर शेखर ने उन्हें समझाया तो वो चारू को मेरे साथ डॉक्टर विकास कृष्णा से मिलने जाने देने को तैयार हो गई। डॉक्टर शेखर ने अपने ड्राइवर को हमें हमारे बताए पते पर ले जाने को कहा। अगले आधे घंटे में हम डॉक्टर विकास कृष्णा के सामने बैठे थे। चूंकि उन्हें हमारे आने के बारे में पता था, इसीलिए उन्होंने अपने सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए थे।
मुद्दे की बात पर आते हुए उन्होंने बताया कि लंदन में एक ही कॉलेज, एक ही ब्रांच में मास्टर की डिग्री एवं एक ही हॉस्पिटल में नौकरी के दौरान उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। इसीलिए नौकरी के दौरान हमने एक ही घर किराए पर लिया हुआ था। चूंकि फोन पर मैंने उन्हें केवल उनके एक्सीडेंट एवं उनकी भटकती आत्माओं के बारे में बताया था, अतः मैंने उन्हें शुरू से अंत तक की सारी बातें विस्तार पूर्वक सुना दी। डॉक्टर विकास कृष्णा बेहद मायूस हो गए थे और उनकी आंखों में पानी आ गया था, जिसे उन्होंने अपना नज़र का चश्मा हटाकर साफ किया और रुंधी हुई आवाज में बोले, आपका फोन आने के बाद मुझे यकीन नहीं हो रहा था ऐसा कुछ हुआ होगा, अतः मैंने डॉक्टर संजय के फोन पर कॉल किया तो फोन उनके बड़े भाई ने उठाया और आपकी बात का सत्यापन किया। ये कहकर डॉक्टर विकास रुक गए और कुछ पलों के बाद बोले, मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक अजनबी परिवार के लिए आप स्वयं इतना समय दे रहे हैं। मैं अपने अजीज दोस्त और उसके परिवार की आत्मा की शांति के लिए आपकी पूरी मदद करूँगा। कुछ पल रुकने के बाद वो बोले, हम दोनों ही एक दूसरे से अपनी सारी समस्याएं बताते थे और हम दोनों ही मिलकर एक दूसरे की समस्याओं का हल निकाल लेते थे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, डॉक्टर ने जवाब दिया। क्या डॉक्टर संजय आजकल कुछ परेशान थे? हाँ, कई समस्याएं थी, कुछ प्रोफेशनल और कुछ पर्सनल। क्या आप उनकी पर्सनल समस्याओं के बारे में बता सकते हैं? चारू ने पूछा। समस्या दो थी, पहली समस्या उसका साला था और दूसरी समस्या, मैंने पूछा। दूसरी समस्या लगभग एक साल पहले चालू हुई। एक सुबह जब वो अपनी गाड़ी में बैठने लगा तो उसकी गाड़ी की विंड स्क्रीन पर लाल रंग के लिपस्टिक से अंजाम भुगतने को तैयार रहना को कहा गया था। वो बेहद घबरा गया। मुझसे बात हुई तो मैंने उसे पुलिस में जाने को कहा, लेकिन वो पुलिस में जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसे ये किसी की शरारत लगी। ओह, क्या कभी इन दोनों बातों के बीच कोई संबंध था? मैंने और चारू ने एक साथ ही पूछा। शायद नहीं, डॉक्टर ने जवाब दिया। उनके साले से उन्हें क्या समस्या थी? मैंने पूछा। उसका साला एक समय में मेघावी छात्र था, लेकिन उसकी संगत कुछ गलत होती गई और वो एक ड्रग एडिक्ट हो गया। ओह, अब समझा। उस दिन जब मैं उससे मिला था तो उसकी आंखें लाल क्यों थी और बात करते करते वो बहुत हकला रहा था और अजीब सा बर्ताव कर रहा था, मैंने अपने आप से कहा। तो उसके लिए उन लोगों ने क्या किया? चारू ने पूछा। संजय और सुरभि भाभी ने रजत पर बहुत पाबंदी लगा दी थी, खासकर संजय ने। संजय ने अपने दोनों बच्चों को रजत से मिलने और बात करने से सख्त मना कर रखा था और इधर रजत ड्रग ना मिलने पर खूंखार हो जाता था, तब उसे बांध दिया जाता था। बाद में उसे रिहैब सेंटर भेज दिया गया। जब लगभग एक साल बाद वो वहाँ से लौटा तो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, लेकिन एक नई मुसीबत लेकर आया था। पता नहीं कैसी कैसी अजीब सी आवाज़ें निकालता रहता था। क्या मतलब अजीब आवाज़ें? मैंने पूछा। शुरुआत में तो संजय को भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन
पिछले लगभग एक साल से संजय भी मानने लगा था कि कुछ ऊपरी चक्कर था। आप तो पढ़े लिखे हैं, आप भी इन बातों पर विश्वास करते हैं, चारू ने कहा। तो फिर हाल ही में इनके साथ जो हुआ वो क्या था? डॉक्टर विकास कृष्णा मेरी तरफ इशारा करते हुए बोले। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। संजय को पहले तो ये सब वहम लगा, लेकिन बाद में यही वहम यकीन में बदल गया था कि रजत पर प्रियंबदा की आत्मा ने कब्जा कर लिया है। क्या? चारू और मेरा मुंह अचंभे से खुला रह गया। चारू और मैं कभी एक दूसरे का मुंह देखते हैं तो कभी डॉक्टर विकास कृष्णा का। क्या पहले कभी डॉक्टर संजय ने प्रियंबदा की आत्मा के बारे में भी जिक्र किया था? मैंने पूछा। नहीं, डॉक्टर विकास कृष्णा ने कहा। तो फिर प्रियंबदा की मौत के इतने साल बीत जाने के बाद प्रियंबदा की आत्मा कहां से आ गई? मैंने खींचते हुए कहा। अरे यार, मैं भी उसकी इस बात पर खींच गया था, डॉक्टर विकास ने कुछ नाराजगी भरे लहजे में कहा। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, मेरा मतलब आपको गलत साबित करना नहीं था, मैंने डॉक्टर विकास की ओर थोड़ा सा झुकते हुए कहा। छोड़ो इस बात को, मुझे संजय की बात याद आ गई थी कि जब उसने मुझे ये सब बताया था और मैं उसकी बात सुनकर बड़ा हैरान भी हुआ था और इसी वजह से उस पर नाराजगी जताते हुए उसके मन का वहम बताया था और उसे डांटा भी था कि डॉक्टर होने के बावजूद वो इस तरह की उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहा है। लेकिन उसने मुझे बताया कि रजत वही सारी बातें बोल रहा है जो केवल प्रियंवदा एवं उसके बीच हुई थी। क्या आपकी कभी रजत से मुलाकात हुई? चारू ने पूछा। नहीं, बस उसे संजय की शादी में देखा था। रजत क्या क्या बोलता था? कभी डॉक्टर संजय ने आपको बताया? मैंने पूछा। कभी भी नहीं, बस संजय ये ही बोलता रहता था कि प्रियंबदा की रूह उसे परेशान कर रही है। तो क्या आपने उन्हें किसी मनोवैज्ञानिक से मिलने की सलाह दी थी? हाँ, मैंने दी थी, लेकिन वो किसी मनोवैज्ञानिक से मिलना नहीं चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि इससे उसकी बदनामी होगी, डॉक्टर विकास कृष्णा ने कहा। तो फिर आपने क्या किया? मैंने पूछा। बस उसे बिना डॉक्टर से मिले सलाह लेने को कहा था और उसे ये ठीक लगा था। वो किसी ऑनलाइन डॉक्टर से इलाज करवा रहा था जिससे उसे काफी आराम भी मिल गया था। ओह, क्या डॉक्टर संजय की 13वीं में आप लखनऊ जाएंगे? मैंने पूछा। हाँ, मैं जाऊंगा, डॉक्टर विकास कृष्णा ने कहा। डॉक्टर विकास कृष्णा से इजाजत लेकर हम दोनों वहां से बाहर निकल आए और ड्राइवर से घर वापस चलने को कहा। वापस आते समय घंटा घर पर काफी जाम लगा था और हमें काफी समय लग रहा था कि तभी ड्राइवर ने बताया कि जिस डॉक्टर विकास कृष्णा के पास हम गए थे उनका एक बड़ा हॉस्पिटल राजपुरा रोड पर बन रहा है। चूंकि हमें घर ही जाना था तो मैंने ड्राइवर से डॉक्टर विकास कृष्णा का हॉस्पिटल दिखाने को कहा। ड्राइवर हमें वो हॉस्पिटल दिखाने ले गया जो कि अपने आप में काफी बड़ा था, लेकिन आजकल काम बंद पड़ा था। तुम्हें क्या लगता है, डॉक्टर विकास कृष्णा सब कुछ सही कह रहे हैं? चारू ने पूछा। सही कह रहे होंगे, इस बात को प्रमाणित करने के लिए डॉक्टर संजय तो इस दुनिया में है नहीं, मैंने कहा। क्या तुम नवनीत के टच में हो? चारू ने पूछा। हाँ यार, तुमने अच्छा याद दिलाया, नवनीत
हमारी मदद कर सकता है, मैं उसे फ़ोन करता हूँ, मैंने कहा। हेलो विवेक, नवनीत फ़ोन उठाते ही बोला। हेलो भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ घर पर सब कैसे हैं? नवनीत ने पूछा। सब ठीक है, प्रभु की कृपा है। यार तुम्हारी मदद चाहिए, मैंने कहा। अरे बिल्कुल भाई, सब ठीक तो है, दोस्त की मदद चाहिए या फिर पुलिस की? नवनीत ने पूछा। एक दोस्त की और साथ ही उसके एसपी होने की भी, मैंने कहा। क्या मतलब? नवनीत ने पूछा। मैंने नवनीत को NH-30 के हादसे से लेकर देहरादून में डॉक्टर विकास कृष्णा से मिलने तक की पूरी कहानी सुना दी। ओह, ये तो बड़े ही अचंभे की बात है। यार सलाम है चारू और तुम्हारे जज्बे को, जो अजनबियों के लिए तुम लोग इतना कुछ कर रहे हो। मैं भी तुम्हारी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? नवनीत बोला। यार तुम पुलिस वालों का खुफिया तंत्र होता है, मुझे कुछ जानकारी चाहिए और मैंने उससे जो मदद चाही थी वो बता दी। तुम लोग लखनऊ पहुंचकर मुझसे मिलो, मैं कोशिश करता हूँ कि तब तक तुम लोगों के लिए कुछ जानकारी एकत्रित हो जाए, नवनीत ने कहा। लखनऊ में तो नवनीत काम करवा देगा, मगर कुछ काम हमें यहाँ देहरादून में भी करना है, मैंने चारू से कहा। उसके लिए जीजा जी जिंदाबाद, चारू ने उत्साहित होते हुए कहा। तो मेरी हंसी छूट गई। हंस क्यों रहे हो? चारू नाराज होते हुए बोली। कुछ नहीं, बस यूं ही, मैंने कहा। तो चारू मेरी चिकोटी काटते हुए बोली, ये क्यों नहीं कहते कि तुम सोच रहे हो कि मेरे जीजा जी डॉक्टर हैं या कोई सुपरमैन, जो सारे असंभव काम चुटकी बजाते ही स्वयं ही कर देंगे? यार दिमाग में तो कुछ ऐसा ही आया था, मैंने कहा। तो चारू ने मुझे ऐसे देखा जैसे मुझे कच्चा ही चबा जाएगी। कुछ ही देर में हम जीजा जी के हॉस्पिटल पहुंच गए। जीजा जी को दिन भर हुई सारी बात बताई और साथ ही अपने देहरादून के काम के बारे में भी। ठीक है, देहरादून में DIG मेरे मित्र है, मैं उससे बात करता हूँ, जीजा जी बोले। फिर कुछ देर फोन पर बातचीत के बाद जीजा जी ने बताया कि आज शाम को DIG ने मिलने के लिए अपने घर पर बुलाया है। शाम के 6:30 को हम तीनों DIG आवास पर पहुंचे तो सिक्योरिटी में लगे इंस्पेक्टर को पहले से ही हमारे वहां पहुंचने की जानकारी थी, तो वो सीधा हमें ड्राइंग रूम में ले गए। कुछ ही देर में DIG अनुराग आर्य और उनकी पत्नी ने कदम रखा तो हम तीनों उठकर खड़े हो गए। DIG बड़ी ही गर्म जोशी से जीजा जी के गले मिले और हम दोनों से हाथ मिलाया। हमारे द्वारा लाए गए फूलों के बुके और मिठाई का डब्बा हमने श्रीमती आर्या को दिया। तब तक चाय और स्नैक्स आ गए थे। उनकी पत्नी ने हम सबको चाय और स्नैक्स सर्व किए। चाय पीते हुए DIG साहब ने बताया कि वे अनुमम हर अलग तरह के केस के बारे में अपनी पत्नी को बताते हैं। आज मैंने इस केस के बारे में अपनी पत्नी को बताया तो वो पूरी कहानी जानने को उत्सुक है। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जुबानी पूरी बात बताएं, DIG साहब चारू और मेरी ओर देखते हुए बोले। मैंने DIG साहब और उनकी पत्नी को NH-30 पर हुए एक्सीडेंट, आत्माओं के दिखने, उनके द्वारा संदेश देने, डॉक्टर दंपति के परिवार वालों से मुलाकात और फिर डॉक्टर संजय के दोस्त डॉक्टर विकास कृष्णा से मुलाकात और अब ये प्रियंबदा की आत्मा का चक्कर इत्यादि सारी बात सुनाई। आप लोगों को सलाम है। जो काम अपने नहीं करते हैं वो आप
अजनबी होते हुए कर रहे हो? डीआईजी आर्या बोले, देखिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपसे जितना हो सके इस केस में इन बच्चों की मदद कीजिए, मिसेस आर्या अपने डीआईजी पति को बोली। ठीक है, आप लोग जो चाहते हो वो हो जाएगा। केवल 24 घंटे में आपके मन में जो प्रश्न है उसका उत्तर मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले हमें क्या मिलेगा? डीआईजी साहब ने सीधे प्रश्न दागा। चारू और मैं हक्के बक्के होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे, जबकि जीजा जी मुस्कुरा रहे थे। घबराओ नहीं, मैं चाहती हूँ कि जब मैं और मेरे पति लखनऊ आए तो तुम अपने हाथ की चाय पिलाओ, श्रीमती आर्या चारू से मुस्कुराते हुए बोली। जी बिल्कुल, मैं आप लोगों का इंतज़ार करूंगी, चारू ने शर्माते हुए जवाब दिया। अगले दिन शाम की 7 बजे हमारी लखनऊ की ट्रेन की कंफर्म बुकिंग मिल गई थी। अगले दिन उपराह्न 3 बजे हम लोग पैकिंग ही कर रहे थे कि डीआईजी ऑफिस से फ़ोन आया। फ़ोन पर डीआईजी साहब ने जो बताया वो बेहद चौंकाने वाला था। सिक्के का एक पहलू सामने आ गया था। अगले दिन सुबह 10 बजे लखनऊ पहुंचते ही मैंने नवनीत को फ़ोन घुमाया तो पता चला कि वो मुख्यमंत्री के किसी कार्यक्रम में व्यस्त था और शाम को उसने अपने घर आकर मिलने को कहा। मैंने चारू को उसके घर पर ड्रॉप किया और वहीं से मनीष के ऑफिस चला गया। मनीष को मैंने जब देहरादून में हुई पूरी बात बताई तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने मनीष को शाम को नवनीत के घर चलने को कहा तो वो साथ चलने को तैयार हो गया। शाम को चारू, मनीष और मैं नवनीत के घर पहुँचे तो मैंने नवनीत को देहरादून में हुई पूरी बात बताई और साथ ही डीआईजी साहब ने जो बताया था वो भी। देख भाई, अब तू इतना इन्वॉल्व है तो मुझे तो तेरी मदद करनी ही पड़ेगी, नवनीत बोला। यार तूने जब मुझे फ़ोन किया था उसी समय मैंने अपने सूत्रों से इस केस के बारे में पता लगवाया था तो मुझे काफ़ी कुछ पता चला कि डॉक्टर संजय और उनके परिवार के बीच संबंध बेहद खराब थे और इस केस को दुनिया के सामने लाने के लिए मैं चाहता हूँ इस केस में एक FIR की जाए। FIR का नाम सुनते ही मनीष और चारू बैकफुट पर आ गए तो नवनीत बोला कि उसने डॉक्टर संजय के क्लिनिक पर काम करने वाले असिस्टेंट को ट्रैक कर लिया है और अब वही FIR करवाएगा। लेकिन FIR करवाने का फ़ायदा क्या होगा, मनीष ने पूछा। FIR करने से हमें कार्रवाई करने का पूरा स्पेस मिलेगा, नवनीत ने जवाब दिया। रात होते होते नवनीत की देखरेख में संबंधित थाने में FIR दर्ज करवा दी गई और केस में एक तेज तर्रार इंस्पेक्टर सुनीत सिन्हा और उसकी टीम को लगा दिया गया। 2 दिनों की कार्रवाई के बाद इंस्पेक्टर सुनीत ने अपनी रिपोर्ट विभाग में दे दी तो नवनीत ने मुझे अपने ऑफिस बुला लिया और फाइल का सारांश मेरे सामने रखा। सिक्के का दूसरा पहलू भी सामने आ गया था। जिस बात का शक था बात उसी के इर्द गिर्द ही थी। रिपोर्ट के आधार पर नवनीत ने संबंधित इंस्पेक्टर को डॉक्टर संजय के घर जाकर उनके बड़े भाई से मिलकर इस केस में सहयोग करने को कहा और साथ ही एक लिस्ट में कुछ लोगों के नाम दिए जिनको 13वीं वाले दिन कार्यक्रम की समाप्ति के बाद रुकना है क्योंकि पुलिस बीच कार्यक्रम में पहुंचकर मामला नहीं बिगाड़ना चाहती थी। 13वीं वाले दिन शाम के 4 बजे नवनीत ने
मुझे और चारू को अपने ऑफिस बुलाया और शाम के 5 बजे हम डॉक्टर संजय के निवास पर पहुंचे। वहां पे एक काफी बड़ा सा टेंट लगा हुआ था। पुलिस की 2 जीप बाहर खड़ी थी और 4 कांस्टेबल, 2 सब इंस्पेक्टर और गार्ड घर के गेट पर खड़े थे। सभी हमें देखते ही सचेत हो गए। हमारी गाड़ी रुकते ही दोनों इंस्पेक्टर हमारी ओर लपके और गाड़ी का दरवाज़ा खोला। हम सबके गाड़ी से उतरते ही सभी पुलिस वालों ने सैल्यूट किया। तब तक संबंधित थाने के इंस्पेक्टर जो घर के अंदर थे बाहर निकलकर आ गए और नवनीत को सैल्यूट किया। क्या लिस्ट में दिए गए लोग घर के अंदर है? नवनीत ने इंस्पेक्टर से पूछा। जी सर, बस रजत को उसके घर से उठाकर लाना पड़ा। इस समय वो भी घर के अंदर ही है, इंस्पेक्टर ने कहा। हम लोग घर के मुख्य दरवाजे से होते हुए ड्राइंग रूम में पहुंचे तो हमें देखकर सब लोग खड़े हो गए। डॉक्टर संजय के परिजनों की मुझे देखकर आंखें चौड़ी हो गई, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। डॉक्टर संजय के बड़े भाई ने नवनीत से प्रश्न किया कि उन लोगों को परेशान क्यों किया जा रहा है। देखिए, हमें एक शिकायत मिली है जिसके तहत हम अपनी तहकीकात कर रहे हैं एवं हम आप लोगों को कुछ बताना भी चाहते हैं, नवनीत पूरे परिवार की ओर देखते हुए बोला। कैसी शिकायत ऑफिसर? डॉक्टर संजय की बड़ी बहन ने हैरान होते हुए पूछा। पहले आप सब लोग बैठ जाएं। देखिए, कुछ दिन पहले मेरे इलाके के एक थाने में एक FIR दर्ज हुई थी कि डॉक्टर संजय और उनके परिवार का एक्सीडेंट महज एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत एक मर्डर था। क्या? सभी ने चौंकते हुए नवनीत की ओर देखा। कितने ही अच्छे अभिनेता है इनमें से कुछ लोग, मैंने मन ही मन सोचा। जी हाँ, आपने सही सुना, नवनीत ने कहा। और एक शिकायत पर हमने अपनी तफ्तीश की शुरुआत की और हमने पाया कि ये एक मर्डर ही है। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? उन लोगों की तो किसी से किसी भी तरह की कोई दुश्मनी भी नहीं थी, इस बार डॉक्टर संजय की सास ने कहा। इस प्रश्न का उत्तर तो डॉक्टर विकास कृष्णा देंगे, नवनीत ने डॉक्टर विकास कृष्णा की ओर देखते हुए कहा। तो डॉक्टर विकास कृष्णा हड़बड़ा गए। मैं कैसे बता सकता हूँ? मुझे कैसे पता होगा? अच्छा, कोई बात नहीं, आपको नहीं पता तो इस प्रश्न का उत्तर मिस्टर रजत देंगे, नवनीत ने कहा। तो सबकी निगाहें डॉक्टर संजय के साले रजत की ओर घूम गई। आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? रजत ने बड़ी तलखी से पूछा। जी हाँ रजत जी, अगर प्रश्न ना सुना हो तो दोबारा पूछता हूँ। कोई डॉक्टर संजय और डॉक्टर सुरभि का पूरा परिवार समेत खात्मा क्यों करेगा? अरे ऑफिसर, आप मुझसे क्या पूछते हो, ये उससे पूछो जिसने ये काम किया है, रजत ने नवनीत का मजाक उड़ाते हुए हंसते हुए कहा। ऑफिसर, ये सब चल क्या रहा है? डॉक्टर संजय के कुछ परिजनों ने नवनीत से पूछा। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सब शांत होकर बैठ जाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डॉक्टर संजय की अपने परिवार सहित एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, जो कि अपने आप में एक साजिश थी और इस साजिश के सूत्रधार हैं डॉक्टर विकास कृष्णा, और इनका साथ दिया है डॉक्टर संजय के सगे साले रजत ने। कुछ भी ऑफिसर, आप कुछ भी बोलेंगे और हम चुपचाप सुन लेंगे, डॉक्टर विकास कृष्णा खड़े होकर नवनीत पर
चिल्लाने लगे, मत भूलिए डॉक्टर साहब कि पुलिस के पास सबूत भी है और गवाह भी, और डॉक्टर साहब कृपया आप चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाएं, वरना हमें सख्ती करनी अच्छी तरह से आती है। नवनीत की कड़क आवाज में इतना सुनते ही डॉक्टर विकास कृष्णा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। इतना शातिर व्यक्ति है ये कि इसने अपने सबसे अजीज मित्र और उसके पूरे परिवार को धोखा दिया। इस शातिराना चाल की शुरुआत होती है जब डॉक्टर विकास कृष्णा ने डॉक्टर संजय से उधार के तौर पर अलग अलग समय में लगभग 3 करोड़ रुपए लिए थे, जिनमें से लगभग 1 करोड़ रुपए वापस भी कर दिए थे, ताकि डॉक्टर संजय को डॉक्टर विकास कृष्णा की मनसा पर शक ना जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इसी बीच जब रजत ड्रग एडिक्ट हो गया तो डॉक्टर संजय ने अपनी समस्या को डॉक्टर विकास कृष्णा को बताया, तो डॉक्टर विकास कृष्णा ने उन्हें रजत को उन्हीं के एक मित्र के रिहैब सेंटर भेजने को कहा, जो कि देहरादून में है। रजत तो पहले से ही डॉक्टर संजय और अपनी बहन से जला भुना बैठा था, जिन्होंने रजत पर बेहद पाबंदी लगा दी थी, जिससे उसे ड्रग नहीं मिल पा रही थी और उसे अपनी मर्जी के खिलाफ रिहैब सेंटर भेज दिया गया। अब तो डॉक्टर संजय और डॉक्टर सुरभि उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन लगने लगे थे, जबकि डॉक्टर विकास कृष्णा ये बात बेहद अच्छी तरह से जानते थे। देहरादून में कई बार वो रजत से मिले और डॉक्टर संजय की पीठ पीछे रजत के कान भरे कि वो रजत को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। रजत भी कान का कच्चा था कि उसने अपनों की जगह गैरों पर विश्वास किया। डॉक्टर विकास कृष्णा ने रजत को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। डॉक्टर विकास कृष्णा को पता था कि डॉक्टर संजय प्रियंबदा की मृत्यु का कारण खुद को मानते थे, अतः डॉक्टर विकास कृष्णा ने डॉक्टर संजय की इसी कमजोरी का फायदा उठाया। सबसे पहले वो डॉक्टर संजय के दिमाग से खेलने की शुरुआत करते हैं, और इसकी शुरुआत हुई रजत के रिहैब सेंटर के वापस लखनऊ आने के बाद। चूंकि डॉक्टर संजय डॉक्टर विकास कृष्णा को अपना सबसे करीबी दोस्त समझते थे, अतः उन्हें प्रियंवदा और डॉक्टर संजय के बीच हुई हर बातचीत का पता था। साथ ही डॉक्टर विकास कृष्णा को ये भी पता था कि डॉक्टर संजय अपनी रोज के इस्तेमाल वाली कार को अपने घर के बाहर खड़ी करते हैं, जबकि डॉक्टर सुरभि की कार हमेशा घर के अंदर पार्क होती थी। इसी बात का फायदा उठाकर डॉक्टर विकास कृष्णा ने रजत से डॉक्टर संजय की कार के विंडस्क्रीन पर लाल रंग की लिपस्टिक से एक धमकी लिखवा दी। डॉक्टर विकास कृष्णा को पता था कि पुलिस में जाने से पहले डॉक्टर संजय उन्हें फोन अवश्य करेंगे, और हुआ भी वही। जब डॉक्टर संजय ने उन्हें फोन किया तो डॉक्टर विकास कृष्णा ने उन्हें बहला दिया, जिसके फलस्वरूप डॉक्टर संजय ने इस बात की शिकायत पुलिस में नहीं की। इसी तरह कई बार डॉक्टर विकास कृष्णा ने अलग अलग मौके पर डॉक्टर संजय के मन में प्रियंबदा का भ्रम डाल दिया, जिसके कारण डॉक्टर संजय को हर जगह प्रियंबदा का भ्रम होने लगा, जिसके कारण डॉक्टर संजय का स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा था। और दूसरी तरफ रजत मीठे मुंह अपनी बहन और जीजा जी से बदले की आग में सुलग रहा था। चूंकि डॉक्टर संजय अपना मानसिक इलाज करवा रहे थे, अतः उन्हें कुछ ऐसी दवाइयां भी खानी पड़ती थी जिन्हें खाने के बाद उन्हें नींद आती थी। उस दिन डॉक्टर संजय
अकेले ही प्रयागराज जाने वाले थे, लेकिन डॉक्टर विकास कृष्णा के उकसाने के कारण उस दिन वो डॉक्टर सुरभि को भी साथ ले जाने को तैयार हो गए थे। अतः उस दिन सुबह डॉक्टर संजय ने अपनी दवा की सुबह वाली डोज नहीं खाई थी। उधर रजत ने अपने एक खास मित्र के द्वारा एक ट्रक ड्राइवर को उस एक्सीडेंट के लिए प्लांट कर दिया था। दुर्भाग्य से अगले दिन डॉक्टर संजय और डॉक्टर सुरभि के बच्चों की छुट्टी होने के कारण उन्हें भी अपने साथ ले लिया था, और ये बात रजत को नहीं पता थी, अन्यथा वो इस एक्सीडेंट को रुकवा देता। नवनीत ने अपनी बात पूरी की। वाह इंस्पेक्टर वाह, आप कुछ भी कहानी बनाएंगे और हम मान लेंगे। इस बार आवाज डॉक्टर संजय के ससुर प्रोफेसर सत्यनारायण गोयल की आई। आप मानिए या ना मानिए, लेकिन कई सारे सबूत और गवाह है हमारे पास, जैसे मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड्स, वो ड्राइवर एवं उसका ट्रक, साथ ही पिछले दो दिन में हुए डॉक्टर विकास और रजत के बीच के मोबाइल पर हुए वार्तालाप की रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। हाँ तो डॉक्टर विकास कृष्णा, क्या आप वो रिकॉर्डिंग सबके सामने सुनना चाहेंगे? नवनीत ने कटाक्ष मारते हुए पूछा। क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? मैंने नवनीत से कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, बोलो, नवनीत ने कहा। एक व्यक्ति और है जो कि इस मर्डर केस में उतना ही भागीदार है जितना डॉक्टर विकास कृष्णा और रजत। मैंने कहा तो सभी की निगाहें मुझ पर जम गई। कौन है वो? इस बार प्रश्न डॉक्टर संजय के बड़े भाई की तरफ से आया। हालांकि इस व्यक्ति ने कोई मर्डर नहीं किया है, लेकिन इस व्यक्ति को इस मर्डर केस के बारे में सब कुछ पता था। इस व्यक्ति ने कातिल को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। वो इस मर्डर का तरीका, समय और स्थान, साथ ही कातिल को अच्छी तरह से जानता था, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने पुलिस को सूचना ना देकर प्रत्यक्ष रूप से इस अपराध में कातिलों का साथ दिया है। सभी की प्रश्न सूचक निगाहें मुझ पर जमी हुई थी। वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर संजय के ससुर और डॉक्टर सुरभि और रजत के पिता प्रोफेसर सत्यनारायण गोयल जी हैं। ये एक जाने माने भविष्यवक्ता हैं जो किसी को देखकर ही उसके मनोभावों के साथ ही उसके भूत और भविष्य की सटीक जानकारी दे देते हैं। लेकिन पुत्र मोह में अंधे हो गए। अपनी सगी बेटी और उसके पूरे परिवार के हत्यारे को सीने से लगाए घूम रहे हैं। ये बात कहते हुए मैं गुस्से से लाल हो गया था। इधर प्रोफेसर सत्यनारायण गोयल, जो अभी तक अपनी जगह पर चुपचाप बैठे थे, दहाड़े मारकर रोने लगे। डॉक्टर विकास कृष्णा भी लगभग बेसुध थे। बस एक रजत ही था जिसे अपने किए पर कोई मलाल नहीं था। नवनीत की टीम ने अपनी पुलिसिया कार्रवाई चालू कर दी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों प्लीज़ मेरी कहानियों को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।